सारे के सारे नारे लगाएंगे जय भीम। तेज बोलो महाराज जी, जय भीम, जय मान्यवर साहब काशीराम, हमारा राम काशीराम। तेज बोलो तेज, हमारा राम काशीराम। तुम जय भीम। साथियों, अभी हम लोग चुनावी प्रचार में मैम जा रहे थे तो रास्ते में कुछ संत मिले। क्या नाम है संत जी आपका? स्वामी दीनदयाल जी। तो इन्होंने रोका गाड़ी को, महाकाल का ये भगत है लग रहे हैं माता के मुझे, तो वार्तालाप करते हैं, आप लोग भी देखें। महाराज जी, आप कौन से भगवान को मानते हो? भगवान है धरती पे? अंदर बोल रहा भगवान। नहीं नहीं, अंदर भगवान, भगवान छोड़ो, आप भगवान की परिभाषा क्या है? ये जो बोल रहा है, नेचर भगवान है या ये बहुत बहुत हाथों वाली माताएं बना रखी हैं, सूंड वाला हनुमान बना रखा है, अंदर जात मार रही है, उसी को भगवान बोलते हैं। तो आप कौन से भगवान को मानते हो? शंकर बाबा भगवान। शंकर बाबा को? और ये जो और हनुमान है उसको नहीं मानते? सभी एक ही रूप है। तो इतने सारे क्यों बना रखे हैं? आत्मा तो विश्वास अपना बना। अभी नवरात्रे गए हैं, वो किसके लिए रखते हैं? माता के लिए। माता हमारी रक्षा के लिए होती है ना। तो जब बच्चियों का बलात्कार होता है तो ये माता कहाँ जाती है? जब उन नहीं, जब बच्चियों, छोटी बच्चियों का बलात्कार करते हैं ये पापी दुष्ट लोग, तो जब वो शक्ति कहाँ जाती है? उसको बचाने क्यों नहीं आती? कोई नहीं लेता हो तो देखो, बहुत सारे हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हो? नाम पता है बाबा साहब अम्बेडकर का? नाम पता है? इस देश में जब संविधान आया ना, उसके बाद कोई भगवान पैदा नहीं हुआ। चलो, आत्मा के परमात्मा के, ठीक है। तो इस देश में दो विचारधाराएं चलती है बाबा जी, एक पाखंडवाद है, एक अंबेडकरवाद है, एक साइंस है, एक पाखंडवाद है। तो ये जो चल रहा ना देश में है ना, ये अभी आपने देखा देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री अपने राजनाथ जी ने वो जो तोबे बंदूकें लाए, उनका नींबू मिर्ची चढ़ा करके उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की। जो बॉर्डर की रक्षा के लिए हथियार लाते हैं हम लोग, उसकी नींबू मिर्ची से रक्षा कर रहे। कमाल का देश नहीं है ये? अब देखो बाबा जी को भी हंसी आ रही है इस पाखंडवाद पे, है ना। तो ये अच्छी बात है कि इस देश के जो संत महात्मा है, इनको भी पता लगना चाहिए कि वास्तविकता क्या है और विज्ञान क्या है। हमारा उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं है, हमारे उद्देश्य किसी को अपहास करना नहीं है, लेकिन जो लोग मानसिक रूप से देश को गुलाम बनाते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, व्यक्तिवाद के नाम पे, वो लोग देख लें। ये मैं गुरुजी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो लोग धर्म के नाम पे व्रत रखते हैं, अभी 17 तारीख को करवा चौथ का व्रत है, करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है? ये देखो एक बार पूछ रहा हूँ, आप धार्मिक हो ना हमारे गुरु, सारे लोग हैं देखो, करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है? ये करवा चौथ का व्रत किस लिए रखा जाता है, मैं पूछ रहा हूँ। क्या लंबी उम्र के लिए पति की? तो फिर ये लोग मरते क्यों इस देश में? ये मरने नहीं चाहिए। इंसान का तो एक मिनट का नहीं पता, एक बार तो ये पाखंड है कि नहीं है? ये जो क्यों, जब किसी चीज के लिए व्रत रखा जाता है और वो चीज संपन्न नहीं होती है, मृत्यु सबको आनी है जिसने पैदा हुआ, ये प्रकृति का नियम है। तो ये पाखंड है ना जो ये चल रहा है इस देश में? नहीं, आप नहीं मानते विज्ञान को क्या? अभी ये मोटर चल रही है, ये क्या भगवान चला सकता है बिना डीजल के? है ना, डीजल है तो चलेगी ना मोटर, स्टेयरिंग में बैठे तो मोटर चलेगी ना। तो ये विज्ञान महान है, पाखंडवाद महान है? आज गलत जगह फंस गए ना, आज ले थोड़े बना महाराज के साथ, आज थोड़ा सा गलत जगह, हमारे आदरणीय है, बड़े हैं बुजुर्ग हमारे, लेकिन ये देश अम्बेडकर वाद के चलेगा। एक जगह 4600 करोड़ रुपए कुंभ में लगाए जाते हैं, लेकिन इस देश के सैनिकों के पास लाइफ जैकेट नहीं है, पहनने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं है। तो देश का सैनिक ये लोग कहते भगवान भगवान, सारा देश हम लड़की का रिश्ता नहीं करते, और फिर आदमी का चाय वाले के हाथ में देश छोड़ दिया।
आप लोग भी जो है आप लोग आप लोगों से निवेदन है कि इस पाखंड से इस देश को निकालो। ये अखंड भारत है, सम्राट अशोक का भारत है, बाबा साहब अम्बेडकर का भारत है। ये पाखंडवाद ना फैलाओ, जिनको वो समझाओ और संकट जो भगवान वो नहीं चाहते थे कि लोग उनके बड़े बड़े मंत्री बनाए, लोग ये प्रबंधन करके रखते थे। मैं उनसे बड़ा तो कोई संतु नहीं था, लेकिन लोगों ने धंधा उनके नाम पर करोड़ों रुपये की क्षति होती है, करोड़ों रुपये खाए जाते हैं समाज में। तो आप लोगों से निवेदन है आज के थोड़ा सा अगर आप पकड़ते हैं तो उनका आप एक पढ़ाने का लड़का रखो और इससे अम्बेडकर बात करो, अंबेडकर वहां अंदर आ गया और हमने नाम लिया और हमने मेरे कहने से सारे के सारे नारे लगाएंगे जय भीम, तेज बोलो महाराज जी, जय भीम, जय मान्यवर साहब काशी राम, हमारा राम काशी राम, तेज बोलो तेज, हमारा राम काशी राम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।